आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 25 जून की श्रीविधान की। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा बाबा के आचरण में चलना। ब्रह्मचर्य का सिर्फ मतलब पवित्रता नहीं है या आप काम वासना से दूर हो जाए, सिर्फ वो नहीं है, वो सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा के आचरण में चलना। सुबह मृत्युवेला से लेकर के शाम तक हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म कैसे हैं। तो आज परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मा के आचरण में चलना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह बाबा। हद को बेहद में समाने वाले, लिमिटेशन या लिमिटेड थिंकिंग को अनलिमिटेड थिंकिंग में जाने वाले। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना। मेरा कुछ नहीं, सब परमपिता परमात्मा का है। अगर परमात्मा का है तो फिर डरना क्यों है। हद को बेहद में समाना, हद की चीजों में, छोटी छोटी बातों में फंसने की जगह बेहद में देखना। कोई चीज को भी हमें बिल्कुल ही इनफिनाइट टर्म्स में देखना। जो लोग छोटी चीजों में फंस जाते हैं वही राजा लोग जो होते हैं, बादशाह जो होते हैं, वो बड़े दूर तक देख पाते हैं। उनकी विजन, उनकी सोच दूर तक जाती है। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। मतलब जो हमारी सोच है, हमारे जो बोल है, वैसे फील हो कि हम बहुत ही दूर का सोच रहे हैं। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्व वंश सहित समाप्त करो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्व वंश सहित समाप्त करो। तो अपना परिवर्तन करना है तो हम अगर हद की बातों में, तेरे मेरे में फंसते हैं, छोटी छोटी चीजों में अगर हम फंस जाते हैं, मेरा क्या, तेरा क्या, हमारा क्या, उसने क्या किया, मेरी क्या चीज ले ली, मेरा क्या उसने प्राप्त कर लिया, तो फिर हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते। हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं, जो कि मोटे तौर पर देखा जाए ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य और क्रोध, अहंकार, ये सब कुछ हमारा वहीं का वहीं रह जाता है। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। उनको ये फील हो कि इनके अंदर कुछ ताकत है, इनके अंदर कुछ रूहानियत है, इनको किसी चीज से कुछ डर नहीं है, इनको किसी चीज से कोई फिक्र नहीं है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। हम जो सेवाएं करें वो बेहद की सेवा कर पाए। सेंटर्स भी हो लेकिन वो मेरा सेंटर, मैंने खोला, मैं ही चला सकता हूँ, मेरे वाला कोई और अच्छा मोड नहीं पड़ सकता या मेरे ही अनुसार चलेगा, ये सब कुछ ना हो। क्योंकि ये चीजें फिर हमें हद में लेके आती हैं, जिस कारण से हम आत्माएं औरों को अपने सर्कल में या अपने पास लाने की जगह उनको हम अपने सर्कल से दूर कर देती हैं, जिसमें क्रिएटिविटी नहीं हो पाती है, जिस कारण से हमारे जीवन में औरों के साथ में मेल मिलाप नहीं हो पाता है। तो हद का नाम निशान ना हो तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। क्योंकि जहाँ हद की बात आती है, मेरे तेरे की बात आती है, वहाँ पे औरों को बदबू आती है, किस चीज़ की, लोभ की, अभिमान की बदबू आती है। जिस कारण से परमात्मा कहते हैं मैं गुलिस्तान बनाने आया हूँ, मैं यहाँ पर बगीचा बनाने आया हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर कचरा फैलाओगे तो फिर आपका बगीचा बनेगा कैसे, जिसमें बहुत सारे रूहे गुलाब, बहुत सारे फूल होने चाहिए। मतलब कि हमारी सोच फूल जैसी होनी चाहिए, गुलाब का फूल सुगंधित, ना कि हमारी सोच बदतर या बहुत ही कड़वी सोच या बहुत ही लिमिटेड सोच या बहुत ही अपवित्र सोच हो, जिसमें हम अपने तक ही सीमित रह जाएं। तो ये सब कुछ कैसे होगा, ये सारा कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी। इसमें परमपिता परमात्मा हमें हद से बेहद की तरफ लेके जाते हैं, चाहे हम लौकिकता में रह रहे हों, चाहे हम अलौकिक सेंटर्स को चला रहे हों, सेवाएं कर रहे हों। ओम शांति के साथ।